गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप मेरे चैनल पे जो प्रेडिक्शन आ रहे पिछले दो महीने से वो आप देख रहे होंगे और आपको डेफिनेटली ये विश्वास आ गया होगा कि यहाँ पर जेन्युइन प्रेडिक्शन निकल सकता है, मार्केट से जेन्युइन इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जेन्युइन प्रॉफिट्स हो सकते हैं, इसका भी आपको यकीन आ गया होगा। तो देखो दोस्तों, ये जो भी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर स्टॉक प्रेडिक्ट किए या जो भी बताया, ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज से था। ये आपको ठीक तरीके से सीखना पड़ेगा। आपको ये स्टॉक खरीद के प्रॉफिट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करें। डायरेक्टली पोजीशन लेने के लिए मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, लेकिन आपको अगर ये एलोकेशन ठीक तरीके से समझना है, देखो कोई भी स्टॉक आप उठा लेंगे, एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, दो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे और हो सकता है उसी स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट कर जाए। तो इसमें एलोकेशन होता है, सेक्टर वाइज एलोकेशन होता है, स्टॉक वाइज एलोकेशन होता है, वेटेज देना पड़ता है कि कौन से सेक्टर को, कौन से स्टॉक को हम कितना वेटेज देंगे, और पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्टमेंट होती है, तब जाके अच्छे खासे प्रॉफिट्स मार्केट से बनाए जा सकते हैं। प्रेडिक्शन से देखिए, आपने देखा होगा कि ये जो एक्यूरेसी है इन स्टॉक्स की ऑलमोस्ट 90% के आसपास है, कि 90% से ज़्यादा स्टॉक्स ने हमारे जो भी टारगेट्स थे अचीव किए या वो अप रैली में है। और ये जो स्टॉक्स हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये कोई महीने के दो महीने की बात है ही नहीं। हम बता रहे हैं कि यार आप इसको लो या फिर पेपर ट्रेड करो। तो ये जो स्टॉक्स हम निकाल रहे हैं, इसमें से मुझे ऐसा लगता है कि 80% स्टॉक्स मल्टी बैगर होंगे। मतलब क्या, ये दो गुना तीन गुना हो सकते हैं। हालांकि बीच बीच में आपको उस कंपनी का परफॉर्मेंस, उसकी बैलेंस शीट, उसके जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो देखने बहुत ही ज़रूरी है। तो उनको कैसे देखते हैं, देखो कोई कंपनी खराब परफॉर्म, आज अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन फ्यूचर में खराब परफॉर्म करेगी, तो ये स्टॉक मल्टीबैगर होगा क्या? तो नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं से वो रिवर्सल मारेगा। तो आज की जो करंट सिचुएशन है उस हिसाब से प्रेडिक्शन किए जाते हैं। तो कल अलग सिचुएशन हो सकती है, परसों अलग हो सकती है, इसमें से कुछ स्टॉक्स 5 गुना 10 गुना भी होंगे, लेकिन आप तब तक रुकेंगे क्या? देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, कुछ तो टारगेट बता रहा हूँ, तो वो टारगेट के लिए आप जा सकते हो, लेकिन ये उतने टारगेट के स्टॉक्स नहीं है, उससे ज़्यादा भी है, और हो सकता है कोई कोई स्टॉक आपका स्टॉप लॉस भी हिट करे। तो लंबे समय में आज तक का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है 22 साल का, इसमें मुझे ऐसा लगा है कि 80% से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप काम कर सकते हैं। जहाँ पर आप गलत होते हो वहाँ पर बहुत छोटी सी अमाउंट आप लूज करेंगे, और जहाँ पर आप सही होते हो वहाँ पर आप काफ़ी अच्छा पैसा मुनाफा बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले तो मैंने 4 तारीख, एक महीने का मैं पहले का वीडियो दिखाता हूँ और वहाँ पर मैंने जो भी प्रेडिक्ट किया था उसको दिखाता हूँ। ऑनवर्ड मैं नए स्टॉक्स आपको देता हूँ, और ये जो स्टॉक है पेपर ट्रेड के हिसाब से ले, पेपर ट्रेडिंग के लिए ले। फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मुझे ये वीडियो डालने के लिए प्रेरणा यहाँ से मिली है कि मैंने एक सेबी का रिपोर्ट पढ़ा था, जिसमें सेबी ने कहा है कि 100 में से 90 लोग, 10 में से 9 लोग शेयर मार्केट में लॉस करते हैं। और मुझे लगा कि यार मैं तो कई सालों से ये स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, और मुझे तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हैं। तो वो 10% में अगर आपको आना है, तो मैंने सोचा कि यार ये मेरा जो नॉलेज है या जो भी मैं ये कर रहा हूँ तो वो आपके सामने प्रेजेंट करूँ। ठीक है, ये प्रेजेंट पर्पज से है, जिससे आपको विश्वास हो कि यस ऐसे भी प्रेडिक्शन निकल सकते हैं, ऐसे भी पैसे बहुत सारे स्टॉक मार्केट से बन सकते हैं। देखिए अगर आपको खुद से करना है तो आपको क्या करना है, सीख कर करना है। तो मैं कुछ बुधवार के दिन मॉर्निंग में आकर भी कुछ सिखाता हूँ, लेकिन अगर आपको परफेक्टली पोर्टफोलियो बनाना है, परफेक्टली लाइफ टाइम पैसे कमाने हैं, तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा। तो आने वाली 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 10 दिनों का मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहा हूँ, शेयर मार्केट मास्टरी करके, आप उसमें पार्टिसिपेंट कर सकते हो। इसकी जो फीस रहेगी वो 13,000 रहेगी, 13,000 रुपये, ठीक है, जिसमें आप बेसिक से लेकर एडवांस तक टेक्निकल एनालिसिस सीखने जा रहे हैं, जिससे आपको भी जैसे मैं प्रेडिक्शन निकाल रहा हूँ वैसे प्रेडिक्शन निकालना पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरीके से ये होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसिक है, बहुत अच्छी तरीके से मास्टर कर लीजिए, उसके बाद अगर आपको मार्केट से पैसे कंटिन्यूडली और बहुत सारे कमाने हैं तो मेरे साथ आप लाइव ट्रेड कर सकते हैं 1 ईयर के लिए।
वन ईयर मेरे साथ रही है। देखो दो दिन तीन दिन चार दिन शेयर मार्केट सीख के कुछ नहीं होने वाला, उससे तो फाइनेंशियल कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होती है, लेकिन वीक वन ईयर में इकोनॉमी की उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, रिजल्ट कैसे आते हैं, उससे कैसे प्राइजेस बनती है, या मॉनेटरी पॉलिसी के चढ़ाव रेपो रिवर्स रेपो बदलने की वजह से क्या क्या असर कहाँ कहाँ पे पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगी। और लाइव मार्केट में किस तरीके से स्टॉक्स को ढूंढते हैं ये भी मैं वहाँ पर सिखाता हूँ। और आपको मनी मेकिंग मशीन बनना है तो वन ईयर आपको निकालना पड़ेगा। देखो डॉक्टरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, चार चार पाँच पाँच साल आप सीखते हो और तब जाकर कहीं पे लाख रुपए सैलरी की नौकरी आपको मिलती है, ठीक है। यहाँ पर क्या करने वाले हो, एक साल देने वाले हो, हो सकता है उसी साल में आप बहुत सारे पैसे भी कमा लो, हो सकता है, नहीं होता ही है क्योंकि ये प्रिडिक्शन ही इस तरीके से। और इसमें अगर आपको पता है ऊपर जाने वाला है, आपको समझ में आता है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो फ्यूचर ऑप्शन में भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले दो तीन साल आपको फ्यूचर ऑप्शन करना ही नहीं है, पहले तो आप सीख लो अच्छे से, लाइफ टाइम पैसे कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्या किया, हमारे चार तारीख का वीडियो आप निकाल के दे सकते हैं, चार या पाँच में अपलोड किया होगा या तीन या चार में अपलोड किया होगा, देखो कब अपलोड है। और वहाँ पर मैंने ड्रीम फ्लॉक सर्विसेस, काइनेस टेक्नोलॉजी, चोलामंडलम फाइनेंस, जेएनए एक्सेल और इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग, ये पांच स्टॉक दिए थे उस दिन के वीडियो में। ड्रीम फ्लॉक सर्विसेस ने क्या किया, 645 पे बाय बोला था और स्टॉप लॉस दिया था 547 का, और 750 के टारगेट के लिए मैंने कहा था कि इसके लिए जाओ, इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा भी जाएगा, ठीक है। देखते ड्रीम फ्लॉक ने क्या किया है, ये रहा आपके सामने ड्रीम फ्लॉक, देखो यहाँ पर है, ओके ये कैंडल है, इसने हाई लगाया है 845, और इसमें अगर परसेंटेज वाइज रिटर्न की बात की जाए तो मैंने कल ही इसके बारे में सोचा था, 22% की अपसाइड इसने दिया अब तक, अभी अगर अभी के रेट भी मैं कंसिडर करूँ तो एक महीने के अंदर 22% का रिटर्न इस स्टॉक ने बनाया है, तो हमारा टारगेट इसने अचीव कर लिया, उसके भी आगे गया, और भी पोटेंशियल लगता है, रखता है, ऐसा नहीं कि पोटेंशियल नहीं है इसके अंदर, तो ये खरीदना चाहिए क्या इस वक्त, मुझे पूछेंगे तुम्हें तो हाँ खरीदना चाहिए, तो इतना गया है फिर भी मैं बोलता हूँ कि इसको खरीदना चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरा वो कॉन्फिडेंस है इसके साथ। आप बोलेंगे यार पहले सारी चीज़ों को प्रिंट करके अभी बोल रहा है, जी हाँ, तो ये पोटेंशियल इसके अंदर है, तो ये आगे भी बढ़ सकता है, इसका टारगेट और भी आगे मिल सकता है, और जो मिला भी है तो इस पर ज़्यादा नहीं बात करते। दूसरा स्टॉक हमने पढ़ किया था जिसका नाम था काइनेस टेक्नोलॉजी, काइनेस ने क्या किया, डेली कैंडल्स, ओके काइनेस का हमारा 1900 का टारगेट था, इट्स हिटेड, 1900 उसने मार दिया है, अब देखेंगे 1575 पे बाय था, 1450 का एसएल था और 1900 का टारगेट था, 1900 का टारगेट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि इस खत्म हो गया, ये स्टोरी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, हाँ हो सकता है थोड़ा ओवर वैल्यूड होकर थोड़ा सा करेक्शन में भी आए, बहुत सारी चीज़ें हो, लेकिन इसने हाई जो बनाया कितना है, 1914 का हाई बनाया, तो इसमें भी अगर अपसाइड की बात करें तो इसने आई थिंक 17-18% का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है, 17-18 मतलब जोक नहीं है, वन मंथ में, तो ये ताकत है, अगर इसका फ्यूचर ऑप्शन रहेगा तो क्या करेंगे, तो इसकी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है, स्ट्रैटेजीज के साथ प्ले करना चाहिए, नेकेड फ्यूचर ऑप्शन ना करें, अगर आपको समझ में आता है तो, वो तो मैं आपको चैंपियन कोर्स में सिखाऊंगा, मेरे साथ एक साल रहोगे तब सिखाऊंगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा प्लानिंग लगता है, ट्रेडिंग के लिए प्लानिंग लगता है और उसका एग्जीक्यूशन लगता है, प्लान का एग्जीक्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा चोलामंडल ने स्टॉप लॉस हिट किया है, देखो यहाँ पर मेरे पास खुद है चोलामंडल, अभी भी मेरे पास होल्ड है, 1200 और 1070 का स्टॉप लॉस लगाया था 1400 के टारगेट के लिए, लेकिन इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है अभी अभी, लेकिन मैं इसके साथ अभी भी बना रहूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि इसके नीचे ये क्लोजिंग नहीं देगा, ये लेवल के नीचे, अगर इस लेवल के नीचे चला जाता है 36 के तो मैं इसको निकाल दूंगा, मैं दिखा सकता हूँ आपको कि मेरे पास है, आई एम होल्डिंग द स्टॉक, चलो वो खुलता है तब तक हम अगला स्टॉक देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर से भी क्या बता रहा है, 10 लोगों में से 9 लोग पैसे कमाते हैं, दैट इज़ वेरी डेंजरस, अगर आपको उस 10% में आना है, देखो किसी भी स्कूल की फीस में इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, उसमें पैसा कितना बनता है मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर पैसा बनेगा और ये आपके सामने बना रहा हूँ, आपके सामने दिखा रहा हूँ सारी चीज़ों को,
ऐसा नहीं कुछ छुपा के बता रहे हैं, कुछ ऐसे बता रहे हैं। देखो यहाँ पर होल्डिंग में मेरे पास कौन सा चोला मंडल आ गया, चोला 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 चोला, ये देखो चोला फाइनेंस है, बॉट 1166 में बाय किया, 1070 चल रहा है लास्ट रेट, और ये 8% नीचे है मेरे पोर्टफोलियो में, फिर भी मैंने होल्ड किया हुआ है। और यार बाकी तो आप देख ही सकते हो, ये कल परसों में कुछ स्टॉक लिए थे सारी चीज़ें, ये पोर्टफोलियो बिना ही मेड 8 महीने पहले बनाया था, और ये 10 लाख का पोर्टफोलियो था, आज 17.5 लाख रुपये वैल्यू है उसकी 8 महीने में, और वो भी इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो है, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो नहीं है, वी आर इन्वेस्टिंग ओवर हियर। और कुछ स्टॉक थोड़े थोड़े पड़े, लेकिन बड़े कितने हैं देखो ना, 122% डबल हो गया, फिर भी इसमें पोटेंशियल। आर के फोर्ज में रुके हुए 265 में लिया था रेट, और अभी चल कितना रहा है 590, 122% मतलब डबल हो चुका, ये 5-6 महीने पहले लिया हुआ है, 4-5 महीने पहले, देख लो आप उसके रेट भी, या अभी लिए हुए कुछ 1-2% नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जी इंफ्रा आपको भी बताया गया था, आपको तो कम रेट में बताया गया था, ये जी इंफ्रा आई थिंक पिछले वीडियो में देखो आप बहुत कम रेट में बताया था, मैंने अभी लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चोलामंडल इसने स्टॉप लॉस हिट किया, और फिर जी एन ए ने क्या किया, जी एन ए एक्सल, ये देखो यहाँ पर जी एन ए चोलामंडल ये है, स्टॉप लॉस हिट हो गया है ऐसा मान लो, लेकिन नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, तो अभी भी इसमें बना रहना चाहिए। तो जी एन ए हमने प्रेडिक्ट किया था खरीदने के लिए, आपको बताया था 880 में बाय करो, और 950 का टारगेट दिया था, अभी क्या कर रहा है ये तकरीबन 1050 मतलब 1050 तक जाकर है। तो मैं जो टारगेट दे रहा हूँ मैं अपनी लिमिटेशन से दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं अगला क्वार्टर में क्या होगा क्या नहीं होगा, उस वक्त उसको निकालना पड़ेगा, रखना पड़ेगा रिजल्ट के बेस पे, फंडामेंटल के बेस पे, फंडामेंटल खराब हो गए तो मुझे नहीं पता होता, फंडामेंटल अच्छा है तो मैं उसके साथ रहूँगा, पर टेक्निकली तो मुझे समझ में आता है अभी भी इसका ब्रेकआउट है या अभी भी बाय के लिए है, बस एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ जाए तो इसको बाय कर सकते हैं, और इसका और टारगेट बनेगा इससे आगे 950 को इधर तोड़ दिया वॉल्यूम के साथ, अच्छी खासी मार्किंग बोजू डाल दी, और फिर इसके साथ इधर 950 पे बाय बनता था जहाँ पे हमने एग्जिट बोला है, 950 पे बाय बनता था ये, और अभी इसका टारगेट निकला था 950 और 750 200 रुपये आगे, तो 950 1150 1150 का टारगेट के साथ इसको प्ले कर सकते हैं, ये टेक्निकल है। तो इसने भी आई थिंक कितना रिटर्न दिया, मैंने ऐसे ही निकाल के रखा है आपको बताने के लिए, आई थिंक इसने 16% 17% की अपसाइड दी हमारे टारगेट के लिए, उससे ज़्यादा ही बना है। फिर इलेकॉन की बात करते, इलेकॉन हमने कहा था, प्रेडिक्ट किया था, ये वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, मैं 4 तारीख की बात कर रहा हूँ, वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि क्या प्रेडिक्ट किया गया था, 620 पे बाय था और 700 का टारगेट दिया था, तो कितना मारा है इसने, इसने काफ़ी कुछ रिटर्न बनाया, देखो 800 चल रहा है, 700 का टारगेट दिया था, तो टारगेट ये कोई मायने ही नहीं रखती चीज़, बस आपको ट्रैकिंग आना चाहिए, ये पैसा बनता है, बहुत सारा बनता है और काफ़ी अच्छी तरीके से बनता है, मैं इसमें अगर उसको ट्रैक करते रहता तो मैं तकरीबन इस लेवल पे यहाँ पर एंट्री कर देता 200 के आसपास, और 800 बन जाते मेरे। तो ये कैसे करते हैं उसको सीखना पड़ेगा, उसके लिए मैंने बताया आपको कि 21 से लेकर 30 तक एवरी डे इवनिंग शाम को 7 से 9 मैं शेयर मार्केट मास्टरी नाम की बैच लेने जा रहा हूँ, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं ये सीख सकते हैं। चलो आज के प्रेडिक्शन पर मूव करते हैं। तो आज तारीख है 7/8/2023, यहाँ पर आपको नीचे भी दिखेगी। तो पहला है MTAR टेक्नोलॉजी 2226 पे बाय, SL रहेगा इसका 2060 और 2560 के टारगेट के लिए आप जा सकते हो, और ये इससे भी ज़्यादा जा सकता है, लेकिन ये मेरा लिमिटेशन है, मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकता, मैंने सीधा क्या किया इसको पकड़ लिया है, देखो अभी चल रहा है 2227, और हमने मैंने जब इसको अभी थोड़ी देर पहले लिया था तो इसका टारगेट किस तरीके से निकला कि मैंने ये प्रीवियस हाई को इसका टारगेट दे दिया, लेकिन ये इससे ज़्यादा जाएगा, अगर ये यहाँ से तोड़ देता है ऊपर साइड वॉल्यूम के साथ मोरी बाजू बन जाती है तो देखिए दोस्तों इसका काफ़ी बड़ा टारगेट बनेगा, 2500 से लेकर ये 1200 मतलब यहाँ से आगे 1200 जाएगा, 3700 का टारगेट बन सकता है, तो उसको ट्रैक करना पड़ेगा देखना पड़ेगा।
ये स्टडी पर से इस बात को याद रखें। फिर दूसरा स्टॉक है यहाँ पर अपोलो टायर्स, 433 में बाय करो 410 के स्टॉप लॉस के साथ, 525 का टारगेट। तो ये अपोलो इधर है, ठीक है, तो 433 से एक रुपया भी बढ़ गया है, तो ठीक है। तो इसका जो टारगेट है कैसे निकाला मैंने, जो भी टारगेट मैंने लिया मैंने सीधा इधर पकड़ा, इस राउंडिंग बॉटम को कंसिडर किया 300 और ये नीचे का बॉटम है 75, तो मैंने सिंपल 225 यहाँ से ऊपर टारगेट पकड़ लिया। तो डिस्टेंस जो है उतना देना चाहिए, तो 300 में 225 डाल दिए तो 525 का टारगेट मैंने यहाँ पे लिया। अब ये मैं टारगेट टेक्निकल ही ले रहा हूँ, नहीं, मेरे पास फंडामेंटल भी कुछ ना कुछ तो इसके बारे में पॉजिटिव है, ये बात याद रखना। खाली टेक्निक पे जाएंगे तो पैसे नहीं बनेंगे, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ से परफॉर्म करेगा ऐसा मुझे लग रहा है। फिर आया डॉक्टर रेड्डी 5600। अब ये महीना, दो महीना, छः महीना ले सकता है इस टारगेट्स को अचीव करने के लिए, साल ले सकता है, लेकिन टारगेट अच्छे देगा। डॉक्टर रेड्डी 5650 पे बाय है, एसएल 5250 और 7600 के टारगेट के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी देखिए ये रेजिस्टेंस पे ही काम कर रहा है, यहाँ पर इसने तोड़ा है एक्चुअली रेजिस्टेंस, और ये कंसोलिडेट कर रहा है दो तीन दिनों से, लेकिन ये निकलेगा यहाँ से, तो ये निकलेगा तो ये राउंडिंग का टारगेट इसका 2000 पॉइंट निकलता है यहाँ से 5600 और ये 3600, तो 56, तो 2000 रुपये यहाँ से ऊपर मैंने 2000 पकड़ लिया, 7200 का टारगेट दे दिया सीधा सीधा, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। और इतना सिंपल होता तो हर एक इंसान पैसे बना लेता, मैं सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टॉक है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, 4500 पे बाय है, 4000 का स्टॉप लॉस है और 6600 का टारगेट है। तो ये रहा ये यहाँ पर, देखो ये जो भी स्टॉक हम यहाँ पर बता रहे हैं ना, ये पहले तो क्या करें, इसने यहाँ पर डाउन ट्रेंड में था, देखो पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड है, और फिर यहाँ से कंसोलिडेट करके ये निकला, और यहाँ पर इसने एक बार ब्रिज किया है, सेकेंड टाइम में तोड़ेगा और ऊपर चला जाएगा ऐसा मुझे लगता है, और ये कपन हैंडल बनेगा। अगर ये यहाँ से तोड़ता नहीं, नीचे ही चला जाता है, तो तकरीबन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करा लो, लेकिन अगर ये यहाँ से तोड़ के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट सिंपली ये निकलेगा 5800, सिंपल यहाँ से निकलेगा 5800 जाएगा, या फिर यहाँ तक भी जाएगा 5200। मैंने तो 6600 का टारगेट दे दिया इसमें, तो मुझे लग रहा है कि इतना जा सकता है, लेकिन 5800 के आसपास आते ही आप कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, डिपेंड्स कि किस तरीके से वो कैंडल बना रहा है, किस तरीके से वॉल्यूम है, किस तरीके से सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप आगे ट्रेड में रहना है या बुक करना है इसके बारे में सोच सकते हो। देखो मैंने अगर मल्टी बैगर में निकाल लिया और मुझे अच्छे से रिटर्न मिल गया, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर कुछ जितना वॉल्यूम आना चाहिए कुछ दिनों में वो नहीं आ रहा है या फिर कुछ और गलत हो रहा है, तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ, वो बाद में ऊपर चला भी जाता है, लेकिन मेरे पास दूसरा स्टॉक रेडी होता है पोर्टफोलियो में। 20 या इससे ज़्यादा स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं रखता, आपको भी याद रखना है, नहीं तो मैंने अभी तक 50 स्टॉक प्रेडिक्ट किए तो सारे के सारे मैं लेता हूँ, ऐसा नहीं है। और आप भी ये सीखने के पर्पज़ से इसको याद रखें। फिर डिक्सॉन टेक्नोलॉजी हो गया, फिर एसकेएफ इंडिया भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो एसकेएफ इंडिया भी ये नीचे दिख रहा है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक है, मतलब गवाएंगे तो बहुत कम। और ये टेस्टिंग पे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, देखो ये जो प्रीवियस हाई था इसने तोड़ा है, यहाँ पर विद द वॉल्यूम तोड़ा है, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक दो दिन वॉल्यूम डाला है, टेस्टिंग कर रहा है, तो टेस्टिंग करने के बाद ये पूरा टारगेट मिलेगा। तो ये टारगेट कितना है, तो ये पिक है 5200 पकड़ लो और ये बॉटम है 4000 पकड़ लो, तो 1200 रुपये यहाँ से आगे, 1200 मतलब कितना हो जाएगा, तो 6200 सिंपल पकड़ लेते हैं। मैंने कितना लिखा है यहाँ पर, 6100 तो मैंने लिखा है, ये मुझे लगता है मैंने लिख दिया। तो अगर ये मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं और आप अगर इंटरेस्टेड हो शेयर मार्केट में लाइफ टाइम के लिए पैसे कमाने के लिए, तो ज़रूर मेरी शेयर मार्केट मास्टरीज बैच में एडमिशन करें, और इसके जो भी डिटेल्स आपको चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें, संपर्क करें, और लाइफ टाइम मनी मेकिंग मशीन बन सकते हैं। ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को मेरे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बुधवार को सुबह 10:30 बजे। थैंक यू वेरी मच।